मुजफ्फरनगर शहर की गांधी कॉलोनी में शनिवार को दिन दहाड़े एक कपड़ा व्यापारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर चार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर हजारों की नकदी और जेवरात लूट लिए और धमकी देते हुए फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मंत्री कपिल देव और नई मंडी सीओ हिमांशु गौरव भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दरअसल नई मंडी कोतवाली इलाके के मोहल्ला गांधी कॉलोनी में गली नंबर 15 में आर्य समाज मंदिर के निकट स्थित अपने घर में 65 वर्षीय कपड़ा व्यापारी सुभाष गुलाटी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जबकि उनके बेटे सूरत में रहकर कपड़े का कारोबार करते हैं। शनिवार दोपहर लगभग करीब 2 बजे चार बदमाश उनके घर पहुंचे और तमंचों के बल पर गेट खुलवाकर वृद्ध दंपत्ति को बंधक बना लिया, जिसके बाद घर में रखी नकदी और जेवरात अपने कब्जे में ले लिए और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद सुभाष गुलाटी व उनकी पत्नी ने शोर मचाया, जिस पर पड़ोसी वहां पहुंचे और दोनों को बंधन मुक्त करने के बाद पुलिस को सूचना दी। चार आदमी थे जी, दो अंदर आ गए, दो पता नहीं बाहर खड़े होंगे या कैसे, उन्होंने हमें बांध दिया और कह रहे सामान निकालो। एक अटैची पड़ी थी उसकी, कह रहे इसमें सामान है। मैं कहता तो अटैची ले जाना, खुल नहीं रही थी, मैं कह इसे भी ले जाता। ओ डी की नहीं होती वो, जो भी है हाँ, मतलब वो अटैची पड़ी है। मैं कहता तो इसे ही ले जा, हमारे तो खुलते नहीं, बंद हो रही, चाबी गुम हो गई हमें। जो बदमाश थे उन्होंने मुंह लपेटा हुआ था, मुंह वो डाला हुआ था मास्क, तो गन पॉइंट पे आपको बंधक बनाया उन्होंने। हाँ बंधक क्या बनाया, बस वो बंधक बनाया वो लेके ना पिस्टल चारों के पास थी, कट्टे थे। देखिए जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र मंडी में ये गांधी कॉलोनी की ये घटना है, जो करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ इस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, करीब 4 अज्ञात व्यक्ति जो है घर में प्रवेश किए थे और बंधक बना के इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी और सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर आकर जांच की है। हमारी फॉरेंसिक टीम एसओजी टीम भी मौके पर है, हमारे उच्चाधिकारी भी यहीं पर हैं और बुजुर्ग दंपति से मेरी भी बात हुई है। करीब 35,000 रुपये नकद और 3 अंगूठियाँ इनके द्वारा बताई गई हैं, जो बदमाश उतरवा के ले गए हैं। इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए मेरे द्वारा कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी और सर्विलांस को भी लगाया गया है और लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं और कई हमें अहम सुराग इसमें मिले भी हैं। फुटेज में भी वो लोग कैद हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है घर वालों द्वारा भी हमें दी गई हैं और जल्द ही इस घटना का हम खुलासा करके उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। घटना की सूचना पर सीओ मंडी हिमांशु गौरव और कोतवाल सुशील सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं लूट की घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री कपिल देव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस शीघ्र ही बदमाशों की तलाश करने को कहा है। इसके बाद एसएसपी विनित जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। सुभाष गुलाटी जी हैं गांधी कॉलोनी के अंदर, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। बता रहे कि 4 बदमाश घर के अंदर आए और घर से लूट ले करके ले गए हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे प्रशासन के लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। बहुत दिनों बाद इस प्रकार की घटना मुजफ्फरनगर में हुई है, चिंता का विषय है। लेकिन हमारे कप्तान से बात हुई है, तुरंत यहाँ पहुँच रहे हैं, सी ओ सी टी मौके पर है, सारे पुलिस का अमला पूरा मौके पर है और बहुत जल्दी केस वर्कआउट हो जाएगा, ऐसा भरोसा हमको है। बिल्कुल एकदम खराब घटना है, चिंता का विषय भी है। लेकिन साथ साथ ये भी कि मुख्यमंत्री का खौफ बदमाशों में भी है, क्योंकि पता है इस बात का कि कानून के सिग्नल से बच नहीं पाएंगे, अब बहुत जल्दी प्रशासन की पुलिस की गिरफ्त में होंगे।